चॉकलेट बॉय शाहिद कपूर जब भी मैच की सुपर सक्सेस के बाद काफी खुश हैं और करीना कपूर के साथ ब्रेकअप के बाद अब वो पार्टीज और गैदरिंग्स में भी दिखने लगे हैं। इसके अलावा इंडस्ट्री में उनके लिंकअप्स की चर्चा भी है काफी गर्म। करीना से ब्रेकअप से तो वो लंबे समय पहले उभर चुके हैं और अब वो पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं अपने फिल्म करियर पर। शाहिद कपूर करीना कपूर के साथ ब्रेकअप के बाद जोर शोर से जुट गए हैं अपने काम और फिल्म कमिटमेंट्स को पूरा करने में। जहां उन्होंने अजीज मिर्जा की किस्मत कनेक्शन की शूटिंग स्टार्ट कर दी है, वहीं हाल ही में वो कुछ अवार्ड फंक्शंस के लिए भी पावर हाउस परफॉर्मेंसेस देते हुए नजर आए। शाहिद के लिंकअप्स की खबरें भी हैं जोरों पर। उनका नाम कभी सानिया मिर्जा तो कभी विद्या बालन के साथ जोड़ा जाता है। इन दोनों ब्यूटीज के अलावा शाहिद और अमृता राव की नजदीकियों की खबरें भी आती रहती हैं। शाहिद कपूर अपने से जुड़ी इन खबरों को बिल्कुल भी तरजीह नहीं देते हैं और इससे जुड़े सवालों का जवाब देने से भी थोड़ा कतराते हैं। शाहिद का कहना है कि अभी अभी उनका 4 साल पुराना रिलेशन टूटा है और अब वो अपनी लाइफ की तरफ पॉजिटिवली देख रहे हैं। शाहिद ये भी कबूल करते हैं कि पिछले कुछ महीनों में वो काफी उदास रहे हैं, मगर अब उनके पास बीती बातें याद करने का वक्त नहीं है और वो अपने करियर में है काफी बिजी। शाहिद कपूर पिछले 2 सालों में 2 सुपरहिट फिल्में दे चुके हैं, जहां साल 2006 में सूरज बरजातिया की अमृता राव स्टारर विवाह से उनको एक ब्लॉकबस्टर सफलता मिली, वहीं 2007 में करीना कपूर के साथ जब वी मेट की सक्सेस के साथ वो फिर से बन गए हैं बॉलीवुड के नए हॉटस्पॉट। साथ ही अब उनके पास कई बड़े बैनर्स और डायरेक्टर्स की फिल्में हैं, जहां विद्या बालन के साथ किस्मत कनेक्शन और करीना कपूर के साथ मिलेंगे मिलेंगे इस साल रिलीज होगी। वहीं शाहिद के फादर पंकज कपूर की डायरेक्टोरियल डेब्यू और यशराज प्रोडक्शंस की अगली फिल्म भी फ्लो पर जाने की उम्मीद है। शाहिद कपूर अपनी लाइफ को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही वो अपनी आने वाली फिल्मों के लिए भी काफी एक्साइटेड है। अब देखना ये है कि पर्सनल लाइफ में उनके दिल में किसे जगह मिलती है। फॉर पारस कोठारी, जूम, मुंबई।